हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल फूड फटाफट विद मी में। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं पिज्जा। पिज्जा सभी को बहुत पसंद होता है, तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि डोमिनोज की तरह हम घर पे ही पिज्ज़ा कैसे बनाएंगे। तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में आप मार्केट जाके तो पिज्ज़ा खा नहीं सकते, तो मैं आपको घर पे ही पिज्ज़ा बनाना बताऊंगी, जिससे आप इसका टेस्ट भी ले सकते हैं और आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि पिज्ज़ा हमें कैसे बनाना है। तो यहाँ मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें मैंने डाला है एक कटोरी मैदा। तो हम पहले बेस बनाएंगे, तो इसमें हमने डाला है 2 चम्मच रिफाइंड चीनी, नमक और हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच मीठा सोडा। तो फ्रेंड्स, हमको ये सब डालना ज़रूरी है, तभी जो हमारा पिज्ज़ा का बेस है वो अच्छा फ्लफी बनेगा। तो अब हम इसका अच्छे से डो बना लेंगे। तो इसका डो हमें बहुत टाइट नहीं बनाना है ना, और बहुत ही सॉफ्ट नहीं बनाना है। जिस तरह हमारा रोटी का आटा लगा के हम तैयार करते हैं, उसी तरीके से हमें इसका आटा लगा के हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आटा लग के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और इसके ऊपर से कोटिंग कर देंगे, ताकि जो हमारा आटा है वो ऊपर से सूखेगा नहीं। तो यहाँ आटा मैंने लगा के रख दिया है, अब मैं इसमें ढाकूंगी एक प्लेट। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसके ऊपर पॉलिथीन भी लगा सकते हैं, पर मैंने यहाँ प्लेट लगाया था और इसको मैंने 2 घंटे के लिए रख दिया था। तो देखिए, यहाँ पे इसको खमीर उठ चुका है, इसका बहुत ही फूला फूला सा डो हो चुका है। तो यहाँ मैंने उस आटे का 2 लोइयाँ बना ली थी, तो 1 लोई में मैंने डस्टिंग की है। अब मैं इसका बेस बना के रेडी करूँगी। तो हमें बहुत मोटा और ना बहुत पतला वो बनाना है इसका बेस। तो देखिए, ये हमारा बेस बन के तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें फॉक की मदद से इसमें छेद कर दूंगी, ताकि हमारा जो बेस है वो बिल्कुल फूले ना, बहुत ही अच्छा हो जाए। तो यहाँ पूरी में अच्छे से मैंने फॉक से छेद कर दिया है। अब मैं इसको डालूंगी बेक के लिए। तो यहाँ मैंने लिया है एल्यूमिनियम का बर्तन, आप चाहें तो स्टील की प्लेट भी ले सकते हैं, कोई भी बर्तन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ एल्यूमिनियम का बर्तन लिया है। अगर आप स्टील का प्लेट लेंगे तो वो हम आपको मोटी प्लेट लेनी चाहिए। तो यहाँ मैंने नमक डाला है कढ़ाई में, और कढ़ाई को मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट पे रख दिया था। तो अब मैंने इसमें रख दिया है बेस पकने के लिए। तो अब जो हमारा बेस है वो हम उसको 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए, हमारा यहाँ 15 मिनट में ही बेस पक के रेडी हो चुका है। मैं इसको टच करके देख रही हूँ, ऐसा तो नहीं है कच्चा है, पर ये हमारा पक चुका है। इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसमें लगाएंगे पिज्जा सॉस। तो इसमें हम अच्छे से पिज्जा सॉस लगाएंगे। पिज्जा सॉस में सॉल्ट होता है, तो हम इसमें सॉल्ट का यूज नहीं करेंगे। ऊपर से हमने बेस में ही सॉल्ट डाल दिया था। तो यहाँ मैंने अच्छे से इसमें पिज्जा बेस लगा दिया है। अब हम इसमें डालेंगे मोजरेला चीज। तो चीज हमें इसमें ज्यादा मात्रा में डालना है, तभी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और डोमिनोज की तरह ये एकदम लगेगा। तो चीज मैंने इसमें अच्छे से डाल दिया है। अब बारी है वेजिटेबल्स की। तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कैसे भी इसमें वेजिटेबल्स रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने शिमला मिर्च की स्लाइस रखी हुई है, टमाटर को कट करके रखा है। आप चाहे तो जिस तरह चाहे उस तरीके से सब्जियों को काट के इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लंबी लंबी सारी सब्जियाँ कट की हैं, तो उसको इसी तरीके से रख दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी कौर। आपके पास कौर नहीं है तो आप प्याज टमाटर और शिमला मिर्च डाल के ही बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हो चुका है हमारा पिज्जा रेडी। अब हम इसको रखेंगे पकने के लिए। तो मैंने जिस एल्यूमिनियम के बर्तन में इसको बेक किया था, उसी में मैं फिर इसको रखूंगी। तो ये मैंने रख दिया है, अब मैं इसको बेक करूंगी। तो बेक करने के लिए फ्रेंड्स, इसको हमें उसी कढ़ाई में फिर हम इसको बेक करेंगे। तो देखिए, इसमें नमक पहले से पड़ा हुआ है, हमने इसमें रख दिया अपना पिज्जा। अब हम इसको ढक के 10 मिनट के लिए पकाएंगे, तो जो हमारा चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और जो हमारी सब्जियां हैं वो एकदम क्रंची हो जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 मिनट हो चुका है। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। वाह, देखिए कितने अच्छे से हमारा जो चीज़ है वो मेल्ट हो गया है और जो सब्जियाँ हैं वो एकदम क्रंची टेस्ट में आ गई हैं। तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी ओरिगानो,
तो मैं यहाँ टच करके देख रही हूँ, सारी सब्जियाँ अच्छे से क्रंची हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ सबसे पहले हम डालेंगे ओरिगानो। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ओरिगानो डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि इसका टेस्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और जो डोमिनोज में मिलता है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा ओरिगानो डाल के यूज़ करते हैं। तो चिली फ्लेक्स भी मैंने इसमें डाल दिया है, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपको बहुत ही तीखा अच्छा लगता है तो आप उसको ज़्यादा डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, लग रहा है ना ये हमारा बिल्कुल डोमिनोज की तरह। तो आप भी इसको एकदम झटपट बना के रेडी कर सकते हैं। और पिज्ज़ा किसको पसंद नहीं है फ्रेंड्स, मुझे तो बहुत ही पसंद है। तो मैंने तो ये बिल्कुल बना के रेडी कर लिया है। अब मैं आपसे फ्रेंड्स यही कहना चाहती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, अपना सपोर्ट मुझे भर भर के दीजिए। और अगर मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अपने एक्सपीरियंस फूड फटाफट में प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए।